हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन ई लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू सी द वर्क बुक फिलअप फॉर स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत एंड फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर बुक चैप्टर नंबर 4 बाय द नेम प्रेरणा दीप चाणक्य। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी ऑल द एक्सरसाइज वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज इज एमसीक्यू, सो लेट अस सी द एमसीक्यूज। द फर्स्ट एमसीक्यूज आंसर इज सी, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ डी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ डी, सेवेंथ बी। एमसीक्यू नंबर 8 सी, 9 ए, 10 सी, 11 बी, 12 डी, 13 सी, 14 सी एंड 15 ए। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। सो द ब्लैंक्स आंसर्स आर लाइक दिस। इन द फर्स्ट जनेशु, सेकेंड नयामी, थर्ड प्रविशामः, फोर्थ कम्बलस्य, फिफ्थ शयनम, सिक्स्थ अस्माकम एंड पापम। हियर अवर ब्लैंक्स इज ओवर। यू कैन सी हियर द गिवन स्पेस एंड इन दैट स्पेस यू हैव टू नोट डाउन द गिवन सेंटेंसेस एज अबोव। हियर क्वेश्चन नंबर 3, इन दैट पुट राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। हियर इन फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ राइट, फिफ्थ रॉन्ग, सिक्स्थ राइट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड राइट। सो द आंसर्स आर लाइक दिस, ब्लैंकेट्स, रूम, बिलो, कोल्ड, फॉर एंड आर, डूइंग। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द ट्रू अपोजिट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो द आंसर्स आर लाइक दिस, तदानीम, उपरी, पूर्णियम, ग्रीष्मकालः, स्वः, निर्गताः, तत्र। क्वेश्चन नंबर 6, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग रूट फॉर्म्स। सो द आंसर्स आर लाइक दिस, अर्स, नय, प्रविशन्ति इज अ वर्ब फॉर्म, पृच्छामः, पृच्छ, एंड कुर्मः, वर्ब फॉर्म। 7 नंबर, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग नाउन फॉर्म्स। सो द आंसर्स आर लाइक दिस, लोकेटिव केस, अक्यूसेटिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेसर एंड नॉमिनेटिव केस। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलो द एग्जाम्पल एंड फ्रेम द सेंटेंस बाई यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। सो द आंसर्स आर लाइक दिस, फर्स्ट महेशस्य लेखिनी अस्ति, सेकेंड राजेशस्य सुधाखण्डः अस्ति, थर्ड शैलेशस्य फलम् अस्ति, फोर्थ मुकेशस्य फलम् अस्ति, फिफ्थ मनीषस्य उपनेत्रम् अस्ति। एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन 9, फ्रेम द अदर सेंटेंसेस एज पर द एग्जाम्पल। सो द फर्स्ट आंसर इज, शिक्षकेभ्यः सुधाखण्डं वितरतु, सेकेंड छात्रेभ्यः प्रसादं वितरतु, थर्ड बालकेभ्यः मोदकं वितरतु, फोर्थ मानवेभ्यः दीपं वितरतु। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। सो यू कैन सी द क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर्स। नाउ यू मे नोट डाउन द आंसर्स बाय योरसेल्फ। Now question number 11, answer each of the following question in English. As you can see here, questions and its answer. So note down the answers. Now here question 4 and question 5 is there. So note down the questions, questions answer from the given sheet. Here question number 12 is, translate the following sentences into Sanskrit. So the answers are like this, Sitkalah asti, etat asmakam sahasam, kambalah samipe eva santi, chor karyena eva udarpurti kurmaha, and ete kambala mama krute na. Question number 13, arrange the following sentences in proper order and rewrite them. So the sentences are arranged like this,
शैत्यम अस्ति कमलाः समीपे सन्ति तथापि भवान् किमर्थम् उपयोगं न करोति आर्य वयं चोराः स्मः नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोज पैसेज इनटू इंग्लिश एंड द ट्रांसलेशन इज लाइक दिस चंद्रगुप्ता मिनिस्टर चाणक्य दिस इज हिज हाउस सेकंड थीफ सेज देयर इज एन ऑयल लैंप हियर सीट इज देयर नियर बाय बुक्स द थर्ड सेज वेयर इज द वेल्थ फर्स्ट सेज इट इज नॉट हियर लेट अस एंटर इन अनदर रूम हियर सेकंड ट्रांसलेशन इज देयर So the translation is like this. Chanakya, these blankets, they are not for me. They are for the poor people. It is a sin to use a things that is not ours. All thieves. Oh no. We committed a sin every day. We fill our stomachs only with the thieving jobs. Starting from today, we will not do sin. Victory to Arya. Dear students, here our workbook fill up for standard 8 subjects Sanskrit and second semester book chapter number 4 is over. You may copy down all the exercises in your workbook. Thank you.